हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीख करेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों के लिए सिद्ध करें कि 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 होता है। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रश्न में आएगा r1, r2 और r3 समांतर क्रम में संयोजित हो तो सिद्ध करें कि 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 होता है। इसको सिद्ध करने के लिए मान लेते हैं कि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब यहां लिख लेंगे, हम इसी बात को लिख लेंगे, माना कि R1, R2 और R3 समांतर क्रम में संयोजित है। परिपथ में प्रवाहित धारा बराबर I कुल प्रतिरोध बराबर R तथा कुल विभवांतर बराबर भी। जैसा कि हम जानते हैं कि समांतर क्रम में करंट यानी I बट जाता है, यहां से अगर करंट जा रहा है यहां जाएगा तो यहां I1 हो जाएगा, यहां I2 हो जाएगा और यहां I3 हो जाएगा, फिर वापस निकलेगा तो फिर I हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं I = I1 + I2 + I3, ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं। ओम के नियम से I का मान होता है V/R, तो उस प्रकार I1 का मान होगा V/R1 प्लस I2 का मान होगा V/R2 प्लस I3 का मान होगा V/R3। ये कहां से आया? ओम के नियम से I = V/R होता है, ठीक है। यहां पर हम लिख सकते हैं V/R, इसमें V कॉमन निकलेगा तीनों में, यहां बचेगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, V से V कैंसिल हो गया तो यहां बचा आपका 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 और ये प्रूव्ड हो गया। ये बोर्ड में आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा।